देखिए बहुत ही शर्मसार करने वाला घटना हुआ है और उस घटना के प्रतिशोध में हम लोग यहाँ खड़े हैं। समाज के लिए बड़ा दुख का विषय है और ऐसे आताताई और ऐसे निर्दयी व्यक्ति को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जब तक फांसी की सजा नहीं होगी तब तक उसके लिए लड़ते रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का विषय था इसलिए पुलिस यहाँ आई हुई है। पुलिस अपना काम कर रही है और प्रतिशोध का काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए लोग बहुत उद्वेलित हैं और दुखी हैं। होली का त्यौहार है फिर भी सब लोग घर छोड़ के आए हुए हैं। सबके मन में एक रोष है, सब बहुत नाराज हैं कि समाज में ऐसे दरिंदे क्यों हैं। ये हमारे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के मंडावली थाना में कल एक कंप्लेंट आई थी। बच्ची 4 साल की है, ट्यूशन गई थी, वहाँ उसका जो ट्यूशन जिसके पढ़ती है वहाँ एक लड़का है 34 साल का, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है। हमने साथ के साथ लीगल एक्शन शुरू किया और केस दर्ज करने के बाद में इस लड़के की अरेस्ट कर ली है। आज यहाँ पर जो हमारा ये इलाका ही है, यहाँ पर शायद कोई र्यूमर वगैरह फैला कि पुलिस ने ये एक्शन नहीं लिया है, तो लोग इकट्ठे हुए। एक तोड़फोड़ की भी घटना हमें पता चली है, लेकिन पुलिस तुरंत आई है मौके पे और अब यहाँ पर शांति व्यवस्था है। लोग अभी चल रहे हैं, अभी होलिका दहन का वक्त है तो इसलिए यहाँ अभी थोड़ी सी भीड़ है। 4 साल की बच्ची अभी एडमिट नहीं है, वो लड़की ठीक।